आज है 31 जुलाई 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रक्षाबंधन पर बहनों को तोहफा, मिलेंगे रुपए और सस्ता सिलेंडर। एमपी में हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में लाडली बहनों के लिए खुशखबरी आई है। लाडली बहनों को रक्षाबंधन पर 250 रुपए के फैसले पर मोहर लगी। इसी तरह महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बीमा देने पर मोहर लगी है। डम 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 के सुर में गूंजेगा उज्जैन, 1000 डमरू एक साथ बजाकर बनाएंगे विश्व रिकॉर्ड। उज्जैन में श्रावण मास के तीसरे सोमवार को निकलने वाली भगवान महाकाल की तीसरी सवारी में एक साथ 1000 डमरू बजाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इसके लिए एक साथ भस्म आरती की धुन पर 15 मिनट तक प्रस्तुति की जाएगी। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय करने जा रहा बड़ा काम, 50 साल का डेटा होगा डिजिटलाइज। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय अपना 50 साल का डेटा डिजिटलाइज्ड करने जा रहा है। कार्य परिषद से मंजूरी मिलने के बाद अब विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द ही टेंडर निकालेगा। इसके बाद एजेंसी की तलाश शुरू होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 1970 से 2020 के बीच पढ़ने वाले विद्यार्थियों की अंक सूची, डिग्री और अन्य दस्तावेज को डिजिटल प्रारूप में बदलने की तैयारी कर ली है। इंदौर के करीब बनेगी प्रदेश की पहली स्मार्ट इंटीग्रेटेड औद्योगिक टाउनशिप, मार्केट और जिम भी होगा। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम ने अपना विजन 2047 का मसौदा तैयार किया है। इसमें हातोद के पास से गुजर रहे आउटर रिंग रोड पर प्रदेश की पहली स्मार्ट इंटीग्रेटेड औद्योगिक टाउनशिप प्रस्तावित की। 1500 हेक्टेयर जमीन पर रक्सोदा गांव में बनने वाली इस टाउनशिप को कार्य निवास, उद्योगों के लिए भूखंड और नागरिक क्षेत्र के बाजार, खरीदारी, स्कूल, अस्पताल, थिएटर, पार्क, खेल क्लब, जिम और अन्य जरूरत व उपयोगिताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। बिजली कंपनी लेट लतीफी के चलते अटका रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण। शहर में भिंड अटेर को जोड़ने वाले मार्ग अटेर रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास ओवरब्रिज का निर्माण कराए जाने के लिए निर्माण कंपनी के द्वारा रेलवे क्रॉसिंग के पास प्लांट लगाया जा चुका है, लेकिन बिजली कंपनी के द्वारा बिजली के लाइन व पोल शिफ्ट अब तक न कराए जाने को लेकर निर्माण कार्य की प्रक्रिया अटकी हुई है। बिजली कंपनी की ये लेट लतीफी विकास कार्य में रोड़ा अटकाए हुए है। मिले नए नाम, कुंडम कहलाएगा कुंडेश्वर धाम, कुंडिया हो गया कर्णपुर, बदलेंगी जिलों की सीमाएं। जानकारी के मुताबिक प्रदेश की संस्कारधानी कहलाने वाले जबलपुर जिले के कुंडम को अब सरकारी रिकॉर्ड में कुंडेश्वर धाम कहा जाएगा। इसी तरह सतना जिले के कूची गांव का नाम बदलकर अब चंदनगढ़ कर दिया गया। इसी कड़ी में रामपुर बघेलान के ग्राम कुंडिया को नया नाम कर्णपुर दिया गया। मंगलवार को इस बारे में अधिकृत घोषणा भी कर दी गई। हाईकोर्ट के जबलपुर बेंच से 66 अनसुटेबल नर्सिंग कॉलेजेस के छात्रों को बड़ी राहत। एमपी हाईकोर्ट के जबलपुर बेंच में न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी व न्यायमूर्ति अचल कुमार पालीवाल की विशेष युगल पीठ ने अनसुटेबल नर्सिंग कॉलेजेस के छात्रों की एनरोलमेंट नंबर जारी कर परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए। परीक्षा अगस्त माह में होनी है। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय से कहा, सीबीआई जांच में अनसुटेबल कॉलेज के सत्र 2021-22 और 22-23 के छात्रों को नामांकन जारी कर परीक्षा में शामिल करें। अब मंदसौर के नर्सिंग कॉलेज में भ्रष्टाचार के दाग। प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज संचालन में अनियमितता को लेकर चर्चा अभी थमी भी नहीं कि मंदसौर के शासकीय नर्सिंग कॉलेज में नए तरह का भ्रष्टाचार सामने आया। यहां स्थित शासकीय जीएनएम नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। जिले में नर्सिंग कॉलेज पर आरोप लगा कि अपने मापदंड पर खरे नहीं उतर पाए, उन्हें सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। नवजातों का नसीब, बदबू, गंदगी और फटे गद्दे, बदहाली में बीना का सरकारी अस्पताल। शहर का सिविल अस्पताल इन दिनों बदहाली के दौर से गुजर रहा है। अस्पताल के अंदर बदबू, गंदगी, पलंग पर चादर नहीं, गद्दे फटे हुए, अस्पताल में चिकित्सक नहीं, इस तरह की शिकायतें आम हो चली हैं। बावजूद इसके अस्पताल प्रबंधन व्यवस्थाएं सुधारने का प्रयास नहीं कर रहा। घोषाला पर सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई सुनवाई, एएसआई की रिपोर्ट पर एमपी हाई कोर्ट नहीं ले सकता फैसला। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक भूशाला के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल 2024 को जारी अपने आदेश के तहत की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वे रिपोर्ट पर हाईकोर्ट के द्वारा कोई निर्णय लेने पर रोक लगा दी थी।
इस आदेश को निरस्त करके रोक हटाने की मांग हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से याचिका दायर करके सुप्रीम कोर्ट से की गई। संसद में उठा यूनियन कार्बाइड के कचरे के निष्पादन का मुद्दा, सांसद बोले मैंने देखा है वो त्रासदी का मंजर। भोपाल के इस त्रासदी के कचरे के निष्पादन का मुद्दा मंगलवार को लोकसभा में फिर से उठा। भोपाल के सांसद आलोक शर्मा ने लोकसभा में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के निष्पादन की मांग की। सांसद ने शून्यकाल में मुद्दे को उठाते हुए कहा कि भारत की भीषणतम त्रासदी की तरफ आप सबका एक बार फिर से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, ये भोपाल का नहीं पूरे देश का मुद्दा है। भोपाल में खाद्य प्रसंस्करण उत्पादकों की बायर सेलर मीट, मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण उत्पादकों की बायर सेलर मीट मंगलवार को यहां कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की गई। इसमें विभिन्न इकाइयों में निर्मित उत्पादों और प्रसंस्करण मशीनों का प्रदर्शन किया, जिसमें मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के क्रेता, विक्रेता, निर्यातक व विशेषज्ञों सहित लगभग 250 प्रतिनिधि सहभागिता सुनिश्चित की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश के उद्यानिकी व खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा भी कार्यक्रम में शामिल हो। मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने 10 लाख की रिश्वत लेने पर आरसी तिरोले को किया निलंबित। मुल्ताई एवं भैंसदेही में 8 सड़कों के बाकी बचे कामों के एक्सटेंशन के लिए ठेकेदार से 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़े नर्मदापुरम के प्रभारी अधीक्षण यंत्री आरसी तिरोले को लोक निर्माण विभाग ने मंगलवार को निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय मुख्य अभियंता कार्यालय ग्वालियर परिक्षेत्र रहेगा। श्योपुर के 56 मदरसों में फर्जीवाड़ा उजागर, हिंदू बच्चों के नाम से ली जा रही सरकारी मदद। मध्य प्रदेश के मदरसों में हिंदू बच्चों को तालीम दिए जाने के मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मुख्य सचिव वीरा राणा को दिल्ली तलब किया, तो उसके 1.5 महीने बाद श्योपुर जिले के 56 मदरसों की मान्यता समाप्त हो गई। हिंदू बच्चों के नाम से ली जा रही सरकारी मदद ली जा रही है। एमबीए पेपर लीक मामले में भाजपा नेता अक्षय कांति बम के आइडियलिक कॉलेज पर 5 लाख रुपए का जुर्माना। एमबीए पेपर लीक मामले में भाजपा नेता अक्षय बम के आइडियलिक कॉलेज पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, लेकिन 1.5 महीने बीतने के बाद कॉलेज प्रबंधन ने मंगलवार को जुर्माने की राशि को लेकर एक DD भेजा, साथ ही एक पत्र भी रजिस्ट्रार को लिखा गया। वायनाड हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, किया मुआवजे का ऐलान। पीएम मोदी ने केरल में लैंडस्लाइड से लोगों की मौत पर दुख जताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, वायनाड में भूस्खलन से व्यथित हूं, मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। सभी प्रभावित लोगों की सहायता के लिए बचाव अभियान जारी है। केरल के सीएम पिनराई विजयन से बात कर हालात का जायजा लिया। पीएमओ ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया। 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दे रहे हंगर इंडेक्स में पीछे कैसे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में बजट पर चर्चा के दौरान ग्लोबल हंगर इंडेक्स की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा पाकिस्तान सूडान जैसे देशों को भारत से आगे रैंकिंग कैसे मिल रही है। अफ्रीकन देशों में पर कैपिटा इनकम आज भी कम है, पाकिस्तान में भी आटे की किल्लत है। भारत जैसे देश में हम 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त अनाज दे रहे हैं, फिर कैसे ये विश्वसनीयता साबित करेंगे। केरल में 2 दिन के लिए राजकीय शोक का ऐलान, सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द। केरल के वायनाड में हुए लैंडस्लाइड हादसे में भारी तबाही मची हुई है। इस हादसे में अब तक 119 लोगों की मौत हो गई, जबकि 400 से ज्यादा लोग लापता हैं। आपको बता दें कि इस बीच केरल सरकार ने 2 दिन के लिए राजकीय शोक की घोषणा की। इस दौरान कोई भी सरकार कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे। 35 साल बाद इस बड़े टूर्नामेंट की मिली भारत को मेजबानी, पाकिस्तान कर रहा बवाल। भारत को 35 साल के बाद एशिया कप की मेजबानी मिल गई है। 2025 का मेंस T20 एशिया कप भारत में खेला जाएगा। इससे पहले भारत को 1990 में मेंस एशिया कप की मेजबानी करने का मौका मिला था। एशिया कप का आयोजन एशियन क्रिकेट काउंसिल करती है। भारत ने 7 बार वनडे फॉर्मेट में और 1 बार T20 फॉर्मेट में एशिया कप अपने नाम किया। भारत के बाद 2027 में एशिया कप की मेजबानी बांग्लादेश को मिलेगी। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर फैली, वैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट फैंस फिर एक बार सोशल मीडिया पर जलते नजर आए। पेरिस ओलंपिक 2024 में सरबजोत सिंह के मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने किया फोन।
पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने के बाद भारतीय निशानेबाज सरबजोत सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने सरबजोत से बातचीत के दौरान मनु भाकर को भी बधाई और उनके आने वाले इवेंट के लिए शुभकामनाएं दी। सरबजोत सिंह और मनु भाकर ने मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में दक्षिण कोरियाई जोड़ी को हराकर भारत के लिए कांस्य पदक जीता। 6 हफ्तों में 3 ट्रेन हादसे, 17 लोगों ने गंवाई जान। पिछले साल उड़ीसा रेल हादसे के बाद से सुरक्षा को लेकर चिंता जस की तस बनी हुई है। इस हादसे में करीब 290 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि उड़ीसा रेल हादसे के बाद भी कई रेल दुर्घटनाएं देखने को मिली। मंगलवार को झारखंड के बाराबांबो में हावड़ा मुंबई मेल की 18 बोगियां पटरी से उतर गईं। इस हादसे में 3 की मौत हुई जबकि 20 से ज्यादा घायल हुए। टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में भारत का दबदबा बढ़ा, दुनिया के इतने देशों में हो रहा निर्यात। भारत में बने टेलीकॉम उपकरणों का निर्यात अब 100 से ज्यादा देशों में किया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से ये जानकारी दी गई। पिछले वर्ष भारत से 18.2 अरब डॉलर के टेलीकॉम उपकरण और सर्विसेज का निर्यात किया गया था। दूरसंचार विभाग के तहत आने वाले डिजिटल संचार आयोग में सदस्य मधु अरोड़ा ने कहा कि कई घरेलू टेलीकॉम कंपनीज ने अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों में कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद भी उपकरण बेचने में सफलता प्राप्त की। फास्टैग होल्डर्स ध्यान दें, 1 अगस्त से लागू हो रहे हैं कुछ नियम। अब कंपनीज के पास एनपीसीआई की सभी शर्तों को पूरा करने के लिए 1 अगस्त से 31 अक्टूबर तक का समय है। इस बीच कंपनीज को 3 से 5 साल पुराने फास्टैग की केवाईसी करानी है। 31 अक्टूबर तक इन कंपनीज को फास्टैग की केवाईसी पूरी करानी होगी। तो फास्टैग रखने वालों को इस बात का खास ख्याल रखना है, जिनकी केवाईसी नहीं हुई वो 1 अगस्त से इसे कर सकते हैं। पेटीएम ने लॉन्च किया भारत का पहला एनएफसी साउंड बार। पेटीएम की तरफ से भारत का पहला एनएफसी कार्ड साउंड बॉक्स लॉन्च किया गया। दरअसल अभी तक पेमेंट करने के लिए क्यूआर कोड का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब यूजर्स डेबिट और क्रेडिट कार्ड की मदद से ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे। इसके लिए आपको साउंड बॉक्स पर कार्ड को टैप करना होगा। इसके बाद आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। यूजर्स रुपे कार्ड, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे। 28 अगस्त को ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, सीएम ने मंत्रियों को विभागों की समीक्षा करने को कहा। मध्य प्रदेश का अगला रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 28 अगस्त को ग्वालियर में होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी जिलों में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया है। कैबिनेट की बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रियों से चर्चा में बताया कि नीति आयोग की बैठक में प्रदेश का प्रस्तुतीकरण प्रभावी रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नदी जोड़ो अभियान की सराहना। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।